एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित दादरी गांव पड़ा। लगभग 1200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नीरज कश्यप हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 834 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 120 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 135 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत बोर्ड, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर, 18 सोलर लाइट व 40 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 18 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 4 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, पानी की टंकी, शमशान घाट, तालाब, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम दादरी, ग्राम प्रधान दादरी नीरज कश्यप, ब्लॉक बिनोली, थाना बिनोली, तहसील बड़ोद, जनपद बागपत से बिलोंग करता हूँ। यहाँ का वर्तमान प्रधान हूँ। कई साल बाद नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है दादरी का, जिसमें काफ़ी भागदौड़ करने के बाद ऐसा हुआ है जो नई ग्राम पंचायत के रूप में आई है, जिससे आज तक कोई गाँव का विकास नहीं हुआ था, लेकिन ग्राम वासियों की मदद से यहाँ नई ग्राम पंचायत बनी और यहाँ कार्य कराए गए हैं वे आप तक पहुँचाएँ, और जो कार्य का निर्माण होना है वह आप प्रशासन शासन को दिशा निर्देश करें, यहाँ वो पैसा भिजवाएं जितना की यहाँ जरूरत है। तो मैं उस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या निर्माण कराया है। मैंने यहाँ निर्माण कराया 8 तो मैंने नल के रिबोर मरम्मत कराई है, 5 नल के रिबोर कराए हैं, 2 सरकारी समर्सिबल आए थे जो डीएम के आदेश से अनुसार आए थे, नदी किनारे होने की वजह से नदी का पानी यहाँ दूषित है, उनकी वजह से यहाँ 2 समर्सिबल आए थे। 2 समर्सिबल लगवाने के बाद करीब मैंने अपनी तरफ से 200 मीटर तक पाइप पहुँचवाए उनके घर तक, जिससे कि उन्हें पानी की सुविधा अच्छी मिल सके। करीब यहाँ लाइन नहीं बिछी हुई थी, मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी योजना चलाई कि जिससे कि ग्राम में घर घर में बिजली पहुँच पाए। तो यहाँ पे निर्माण हो चुका है बिजली का भी और लाइन बिछी हुई है बाकायदा, जिसमें मैंने 40 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं और 18 सोलर लाइट लगवाए जिसमें अंधेरा था। अंधेरा में जिसमें 18 सोलर लाइट लगवाने का कारण यही रहा कि यहाँ पहले बिजली का ज़्यादा उत्पादन नहीं था, सॉरी उत्पादन नहीं मतलब यहाँ बिजली नहीं थी, अंधेरा था ज़्यादा। तो जिसमें मैंने अभी 5 छोटे छोटे इंटरलॉक करवाए 30 मीटर के, जो कि कच्चे रास्ते थे, लोगों को आने जाने में ज़्यादा समस्याएं होती थी। और शौचालय का निर्माण किया गया है, करीब 125 शौचालय का निर्माण हुआ जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से कराए गए, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस काम के लिए। और जो यहाँ कार्य नहीं हुए हैं अब तक, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ये समस्याएँ सुने। यहाँ ये नव निर्माण कार्य हैं सभी, जिसमें बारात घर, ग्राम पंचायत घर, खेल मैदान, शमशान घाट, कब्रिस्तान और तालाब की चार दीवारी सौंदर्यकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।